तो गाइस अब देखते हैं कि अल्ट्रासोनिक सेंसर होता क्या है। अल्ट्रासोनिक सेंसर अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इस सेंसर के अंदर दो सर्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं, एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर अल्ट्रासोनिक साउंड ट्रांसमिट करता है और रिसीवर वही साउंड को रिसीव करता है। तो जब इस अल्ट्रासोनिक सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है और उसके ट्रांसमीटर से जो अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलते हैं, वो वेव्स उस ऑब्जेक्ट पे गिरने के बाद रिफ्लेक्ट होते हैं और अल्ट्रासोनिक सेंसर के रिसीवर में जाते हैं। तो इससे हमें उसका डिस्टेंस मिलता है कि वो ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है उस अल्ट्रासोनिक सेंसर से। क्योंकि जब अल्ट्रासोनिक सेंसर ने अल्ट्रासोनिक वेव्स को ट्रांसमिट किया और रिसीव किया, तो कितना टाइम लगा उस वेव को रिसीव होने में, उस टाइम के थ्रू हमें डिस्टेंस का पता चलता है कि वो ऑब्जेक्ट उस अल्ट्रासोनिक सेंसर से कितने दूरी पर है। तो इसलिए अल्ट्रासोनिक सेंसर का ये बहुत ही मेन यूज है टू कैलकुलेट द डिस्टेंस और टू चेक दैट देयर इज एन ऑब्स्टेकल और नॉट। अब चलते हैं इसके इंटरफेसिंग की ओर कि अल्ट्रासोनिक सेंसर को आर्डिनो के साथ कैसे इंटरफेस करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अल्ट्रासोनिक सेंसर के पिंस को देखते हैं। अल्ट्रासोनिक सेंसर में सबसे पहला पिन है VCC। तो VCC है तो उसको 5 वोल्ट को कनेक्ट करना है आर्डिनो के साथ। ट्रिगर पिन होता है जो ट्रांसमिट करने के लिए यूज होता है। हमें अल्ट्रासोनिक सेंसर से साउंड ट्रांसमिट करना है तो ट्रिगर को हाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये एक आउटपुट पिन है, ये एज अ आउटपुट यूज होने वाला है। तो इसको हम डिजिटल पिन में कनेक्ट करेंगे आर्डिनो के। अब दूसरा है इको। इको मतलब साउंड को रिसीव करना है, तो ये हमारा इनपुट होने वाला है। तो इसको भी हम कनेक्ट करेंगे आर्डिनो के डिजिटल पिन से। और फोर्थ है ग्राउंड, तो इसको सिंपली ग्राउंड कर देना है। तो ये हो गया इसके पिन्स के बारे में। अब देखते हैं इसका सर्किट कनेक्शन कि इसको कैसे कनेक्ट करना है, क्या है इसका सर्किट डायग्राम। और LCD को भी मैंने इसमें कनेक्ट किया है। तो गाइज अब ये है इसका सर्किट डायग्राम। इसमें LCD को, अल्ट्रासोनिक सेंसर को, दोनों को आर्डिनो के साथ इंटरफेस किया है। अगर आपको LCD का पार्ट नहीं समझा हो इसमें कैसे कनेक्शन करना है, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने सब कुछ बताया हुआ है और वही सेम कनेक्शन मैंने इसमें रखा है LCD का, और बस एक्स्ट्रा एक अल्ट्रासोनिक सेंसर को अलग से कनेक्ट किया है। तो गाइस अब चलते हैं प्रोग्रामिंग पार्ट पे। तो उसके लिए आर्डिनो सॉफ्टवेयर ओपन करना होगा। अब गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, आर्डिनो का प्रोग्राम तीन पार्ट में डिवाइड रहता है। तो जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, डिफाइन और वॉइड सेटअप, वो तो आपको पता ही होगा। मैं डायरेक्टली वॉइड लूप के बारे में आपको बताता हूँ कि हमारा मेन प्रोग्राम क्या होने वाला है। तो यहाँ पर मेन प्रोग्राम में लिखा हुआ है डिजिटल राइट ट्रिगर पिन लो, यानी कि ट्रिगर पिन अल्ट्रासोनिक सेंसर में ट्रिगर पिन है जो हम लोग यूज करने वाले हैं। वो ट्रिगर पिन क्या करता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेजता है, यानी कि अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है, उसे ट्रांसमिट करता है, वो एक ट्रांसमीटर रहता है। तो बाय डिफॉल्ट हमें वो लो रखना है। अब नीचे दिया हुआ है डिले माइक्रोसेकेंड 2, यानी कि 2 माइक्रोसेकेंड के लिए हमारा जो ट्रिगर पिन रहेगा वो लो रहेगा। अब नेक्स्ट लाइन है डिजिटल राइट ट्रिगर पिन हाई, यानी कि 2 माइक्रोसेकेंड के बाद ट्रिगर पिन को हाई करना है। और फिर है डिले ऑफ माइक्रोसेकेंड 10, यानी कि जो ट्रिगर पिन को हाई किया हम लोग ने वो 10 माइक्रोसेकेंड तक के लिए हाई करना है। तो पहले 2 माइक्रोसेकेंड के लिए लो और फिर 10 माइक्रोसेकेंड के लिए हाई, और फिर डिजिटल राइट ट्रिगर पिन लो, वापस से लो, यानी कि पहले लो फिर 10 माइक्रोसेकेंड के लिए हाई और फिर लो। तो इन शॉर्ट ये हमें एक पल्स बना के देगा, क्योंकि 10 माइक्रोसेकेंड का हाई पिक रहेगा, जो हाई पिक को हम पल्स बोलते हैं। तो ये वो पल्स बना के देगा ना, क्लियर है। अब नेक्स्ट लाइन पर जाते हैं। ड्यूरेशन एक वेरिएबल है, जो वेरिएबल यूज किया है हम लोग ने, उसमें लिखा है पल्स इन इको पिन कॉमा हाई। पल्स इन क्योंकि ये पल्स प्रोड्यूस कर रहा है, ट्रिगर पिन हमारा पल्स प्रोड्यूस करने वाला है, तो वो पल्स डिटेक्ट करने के लिए, इको पिन क्या है, रिसीवर है, तो वो पल्स डिटेक्ट करने के लिए पल्स इन कमांड यूज हुआ है। तो जब भी इको पिन पर अल्ट्रासोनिक साउंड रिसीव होंगे तो इको पिन हाई हो जाएगा, और वो हाई हमें डिटेक्ट करना है बाय यूजिंग पल्स इन कमांड। तो जो भी टाइम लगा उस इको पिन को हाई होने के लिए, वो टाइम स्टोर हो जाएगा हमारे वेरिएबल ड्यूरेशन में। तो अब हमें टाइम मिल गया है कि कितना टाइम लगा अल्ट्रासोनिक साउंड को ट्रांसमिट होके रिसीव होने में। अब नीचे है डिस्टेंस सेंटीमीटर, डिस्टेंस इन सेंटीमीटर
इज इक्वल टू ड्यूरेशन इनटू 0.034 अपॉन 2। ये फॉर्मूला है। ये दो मेन लाइन, एक है सेंटीमीटर का और एक है इंच का, तो हम लोग डिस्टेंस को दो वैल्यू में प्रिंट करने वाले, सेंटीमीटर्स में और इंचेस में। तो ये जो दो लाइन है ये सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है हमारे अल्ट्रासोनिक साउंड से डिस्टेंस मेजर करने के लिए। अब मैं इस लाइन के बारे में बताता हूँ क्या है एक्चुअल में। डिस्टेंस इज इक्वल टू ड्यूरेशन इनटू जो 0.034 अपॉन 2 है। जनरल फार्मूला एक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर फार्मूला से डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो हमारे पास टाइम है, जो टाइम अल्ट्रासोनिक वेव्स को रिसीव होने के लिए लगा, और हमारे पास स्पीड है जो अल्ट्रासोनिक साउंड का, अल्ट्रासोनिक वेव का एक नॉर्मल स्पीड होता है इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, वो है 0.034। इतना क्लियर है। अब अपॉन 2, अब अपॉन 2 क्यों किया गया है, क्योंकि अल्ट्रासोनिक वेव्स को ट्रांसमिट होने में और वापस रिसीव होने में उसने एक ही डिस्टेंस को दो बार कवर किया है, बराबर। तो इसका मतलब अल्ट्रासोनिक सेंसर ने जो टाइम रिकॉर्ड किया वो टाइम है उस डबल डिस्टेंस को कवर करने का टाइम। तो अगर हमें सिंगल डिस्टेंस निकालना है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है सिर्फ उतना निकालना है, तो हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और हमें एक ही बार का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो इसके लिए अपॉन 2 किया गया है। और उसी तरह से डिस्टेंस इन इंचेस का फॉर्मूला है, इंचेस के लिए 0.0133 यूज हुआ है। तो बस ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी अल्ट्रासोनिक सेंसर के लिए। अब नेक्स्ट है LCD का प्रोग्राम। सेट कर्सर 0.0 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उस पर प्रिंट किया हुआ है डिस्टेंस, और फिर है वेरिएबल डिस्टेंस सेंटीमीटर, और इस वेरिएबल के अंदर हमारा डिस्टेंस स्टोर होने वाला है इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, वो प्रिंट करेगा। और फिर डिले 10 मिलीसेकंड, देन LCD सेट कर्सर 0.1 यानी कि सेकेंड रो पे आ जाएगा अब, और वहाँ पर डिस्टेंस इंच, तो यहाँ पर वो इंचेस में डिस्टेंस डिस्प्ले करेगा। तो गाइस ये था प्रोग्राम, काफ़ी सिंपल प्रोग्राम था। इसको अपलोड कर देते हैं, देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आता है। तो मैं इसे अपलोड कर देता हूँ।